सदा आपके साथ रहने का वादा करने वाली दिल्ली पुलिस की बहादुरी एक बार फिर सामने आई है, जहां ग्रेटर कैलाश इलाके के इस घर में जलती आग की परवाह किए बगैर अपनी जान पर खेलकर पुलिस के इन जवानों ने तीन लोगों को सुरक्षित बचाया। दरअसल दमकल विभाग को फोन पर ग्रेटर कैलाश के मकान नंबर H154 में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर स्थानीय पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। SHO और ATO ने फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मियों का इंतजार किए बगैर रेस्क्यू शुरू किया और खुद ही मोर्चा संभालते हुए आग की लपटों से घिरे घर में दाखिल हुए। घर के तीसरे फ्लोर पर फंसे 56 साल के अनिल सुधाकर, 48 साल की शालिनी और 87 साल की बुजुर्ग सुधा को बचाया गया। अनिल और शालिनी पति पत्नी हैं, जबकि सुधा अनिल की माँ शालिनी की सास हैं। आग 4 मंजिला घर के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी थी। आग लगने की स्थिति में तीनों घर के तीसरे फ्लोर पर फंस गए थे। वहीं पूरी इमारत सभी ओर से बंद भी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के इन बहादुर जवानों की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से तीनों लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने भी आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग सुबह 6 बजे के करीब लगी थी और 8:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इमारत में कूलिंग का काम चल रहा है। गनीमत यही रही कि इन पुलिसकर्मियों की बहादुरी की वजह से सभी सुरक्षित हैं। बता दें कि कोरोना के दौर में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए पुलिस वाले मास्क और सैनिटाइजर भी बना रहे थे, जिसकी खूब सराहना हुई थी। और अब जवानों की इस बहादुरी की ताज़ा तस्वीरों ने लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया है और खूब तारीफें बटोर रहे हैं। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग लगने के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।